किसान भाइयों, अभी आप लोगों ने जो देखा है इसे पोटैटो गन कहते हैं, और इस गन की सहायता से जो पंछी होते हैं आपकी फसल को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं उन्हें भगाया जाता है, और इसके साथ जो नीलगाय होती है उसे भी भगाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इस तरीके से यह गन खेती बाड़ी में काफ़ी उपयोगी साबित हो रही है और काफ़ी किसान इसका प्रयोग भी करते हैं। एक शॉर्ट वीडियो हम लेकर के आए थे आप लोगों के लिए, जिसमें आप लोगों ने कहा कि हमें इसकी पूरी जानकारी चाहिए कि हम इसे कैसे बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को इसकी पूरी जानकारी देंगे कि आप लोग इसको अपने घर पे कैसे बना सकते हैं और कैसे इसको उपयोग में लेकर के आ सकते हैं और क्या सावधानियाँ होनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं देव मौर्या और आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आप लोगों ने स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को खेती बाड़ी से संबंधित सभी वीडियो का अपडेट मिलता रहे। जब हम इस यंत्र को बनाने जाते हैं तो हमें कुछ आवश्यक चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिसमें एक लाइटर और एक PVC पाइप, जोड़ने के लिए ग्लू, और यहाँ पर जो आप लोग इस समय देख रहे हैं इसे कहते हैं बंद सॉकेट, जो कि आप लोगों को होल करना होगा लाइटर के साइज का, और ये है रिड्यूसर 4 इंच से 2 इंच के लिए। और यहाँ पर हम एक पाइप लिए हैं 4 इंच का, और जब आप लोग ये सब खरीदने जाइएगा तो मजबूत एकदम ठोंक के लीजिएगा, नहीं तो आपका गन फट सकती है। और ये जो आप पाइप देख रहे हैं ये 2 फीट की है, 2 इंच की PVC पाइप, और इतनी चीज़ों की आप लोगों को ज़रूरत होती है। अब हमें इसे जॉइंट करना है, तो जो हमारी बंद सॉकेट है उसके अंदर हम ग्लू अच्छी तरीके से लगाते हैं। आप लोग ध्यान दें, ग्लू लगाते समय आप लोगों को कंजूसी नहीं करनी है। अगर आप लोग कंजूसी करते हैं तो ऐसे में जब आपका धमाका होगा तो यह बैक कर सकता है, तो ऐसे में आप बम्पर ग्लू लगाइए। और जो हमारी 4 इंच वाली पाइप है उस पर भी हम ग्लू लगा देते हैं, और उसके बाद जो हमारी बंद सॉकेट है उसे 4 इंच पे बैठा करके हल्का सा ठोंक देते हैं, जिससे यह अच्छी तरीके से बैठ जाए। अब हमें ज़रूरत है जो हमारा रिड्यूसर है उसे लगाने की, और इसके पाइप के दूसरे सिरे पर यह लगाया जाएगा। जैसे हम लगा रहे हैं इसी तरीके से आप लोगों को भी लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। आप लोग लगाते समय ध्यान दीजिए कि 4 इंच वाले में 4 इंच की तरफ से ही लगाइएगा, उल्टा मत लगा दीजिएगा। तो ऐसे में जब आप यह लगा देते हैं तो आपका तैयार हो जाता है। अब आपको कहीं भी कुछ चिपकाने की आवश्यकता नहीं है। जो हमारी 2 इंच की पाइप है उसे जाम नहीं किया जाएगा, उसे पानी भरने के लिए आगे आप लोग देखेंगे निकाला और लगाया जाता है। अब यह हमारा तैयार हो जाता है, तो जो हमारी बंद सॉकेट के पीछे छेद है वहाँ पर जो हमारी लाइटर है उसे हम सेट करेंगे, और उस छेद को इस तरह से बनाया गया है कि जो हमारा लाइटर है वह थोड़ा सा टाइट अंदर चला जाए। आप लोग ध्यान दीजिए कि आप लोगों को उस होल को ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, अगर आप कर दिए तो ऐसे में जो आपकी गन है ये ख़राब हो सकती है, सही से काम नहीं करेगी। तो आप लोग इस तरीके से सेट कर दिए, अब आपका जो गन है ये तैयार हो चुका है। अब चलिए हम इसे प्रयोग करते हैं। अब हमारी गन बन गई है, अब हम इसे टेस्ट करते हैं, और टेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपको आगे का जो पाइप है यह निकाल देना होगा, और यहाँ पर जो कार्बाइट होती है उसका एक छोटा सा टुकड़ा, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं एकदम छोटा सा टुकड़ा आपको लेना है और इसके अंदर हमें डाल देना है, और इसको डालने के बाद हमें लगभग 5 से 7 ml जो हमारा पानी होता है उसे डालना होता है। अगर पानी आपका ज़्यादा हो गया तो ऐसे में सही से गैस नहीं बन पाएगी और आपकी गन लगेगी कि सही से नहीं बनी हुई है, आवाज़ सही नहीं देगी। तो ऐसे में आप पानी थोड़ा ही डालिए, और जब आप पानी डाल देते हैं तो उसके बाद उस टुकड़े को लगा दीजिए, और उसके बाद आप 3 से 4 सेकेंड का वेट कीजिए, और उसके बाद आपकी जो पोटैटो गन है यह धमाका करने के लिए तैयार है। तो आप लोगों ने देखा कि यह कैसे धमाका कर रही है, और इसका जो धमाका होता है इतना जोरदार होता है कि जैसे आप दीपावली में बड़ा वाला बम फोड़ते हैं उसी तरीके से इसकी आवाज़ होती है, लेकिन वीडियो में उतनी आवाज़ कैप्चर नहीं हो पाती है, और आपको एक बार में एक ही शॉट मिलेगा, और उसके लिए आपको फिर दोबारा कार्बाइड डालनी होती है, और उसके बाद थोड़ा सा पानी डालना होता है, और उसके बाद आप फिर इसे पाइप लगा करके फिर शॉट ले सकते हैं। लेकिन आप लोग ये काम करते समय सावधानियां भी बरतें। हम आप लोगों को बताएंगे कि जब आप लोग इसे बना रहे होते हैं तो उस समय अच्छे से PVC पाइपों को जोड़ने वाली जो ग्लू आती है उसका इस्तेमाल करें, जिससे कोई भी जोड़ इसके झटके से उखड़े ना और आपकी गन हमेशा सही चलती रहे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।
हम चलते हैं और मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में। जय जवान, जय किसान।